हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शमा। और आज आप मुझे पीछे कुछ भी नहीं देख रहे हैं, यानी पेड़ पौधा देख रहे हैं, कोई भी फैब्रिक नहीं दिख रहा है। तो मैं इस टाइम गोमती नगर में हूँ और मुझे कुछ कल जैसा कि मदर्स डे है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और मैं भी एक मदर हूँ तो मुझे भी हैप्पी मदर्स डे सेल्फ। तो मुझे इसके लिए कुछ छोटी सी वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई हूँ और मैं निकली हूँ वीडियो ही बनाने आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा पहले ये शूट कर लूँ, तो बिना कोई ज़्यादा वीडियो लंबी किए बस शॉर्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ। तो मैं कहने वाली उन लोगों को, उन बच्चों और उन माँ लोगों को कि वो बच्चे, पहले बच्चों की बात करेंगे कि वो बच्चे जिनकी माँ उनके लिए बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, बहुत ज़्यादा फिक्र करती हैं और अपने आप से पहले अपने बच्चों को रखती हैं और जिनके लिए उनकी पूरी दुनिया है, उनके बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के मैं बोलना चाहूँगी कि वो बच्चे अपनी माँ को, माँ के लिए सिर्फ एक दिन मदर्स डे ना मनाएं, उनके लिए डेली मदर्स डे होना चाहिए। और उसके बदले में आप उनको रिस्पेक्ट दें, अच्छे से बात करें, अच्छे से उनकी बात सुने। हर बच्चे माँ में यू नो होता है ना कि झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, सब में होता है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनसे बात ना करें या फिर मुंह फुला के बैठ जाए, ऐसा कुछ भी। उनके लिए मैं बोल रही हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, जो माँ अपने बच्चों को अपने से पहले रखती है, ये चीज़ का किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरा किसी को हर्ट करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, लेकिन जैसा कि कलयुग चल रहा है सब जानते ही हो, और ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें दो टाइप की माँ होती हैं, एक जो अपने आप को पहले रखती हैं और बच्चों को पीछे, और एक माँ होती है जो पहले बच्चों को रखती है फिर अपने आप को रखती हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ वगैरह में आप लोग देखने को मिलता ही होगा कि माँ ने ये किया, वो किया, बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो उनके लिए मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, वो माँ के बारे में बात ही करने का कोई फ़ायदा नहीं, उनके लिए कोई मदर्स डे वगैरह कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे ऐसी हैं तो वहाँ पे उनके लिए हैं, जो जैसे मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी की बात करूँ, मम्मी जो मेरी हैं वो हमेशा, मतलब जब से मैंने आँख खुला है धरती पे, मैं दुनिया में आई हूँ, तब से मैं देख रही हूँ कि मम्मी मेरी हमेशा हमेशा, मतलब पहले उनके लिए हम लोग हैं, हम लोग से पहले उनके लिए कुछ भी नहीं है, है ना। तो मैं अपनी मम्मी को दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे लिए दुनिया में तीन लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक मेरा बेबी, एक मेरी मम्मी, एक मेरे हस्बैंड। तो ये तीन मेरी पूरी दुनिया है। तो अपनी मम्मी को मैंने हमेशा देखा है कि अपने से पहले वो हम लोगों के बारे में सोचती है, हम लोगों के लिए करती है, उन्होंने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। तो अपनी मम्मी को भी मैं एक बार मैंने अपने चैनल पर बोलना चाहूँगी, थैंक यू मम्मा। और उनके लिए मैंने कुछ सोचा भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देख रही हूँ, छोटा सा वीडियो मैं बनाने वाली हूँ तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं ये बोल रही थी कि उन बच्चों को अपनी माँ के लिए सिर्फ एक दिन के लिए मदर्स डे नहीं होना चाहिए कि आपने मदर्स डे पर क्या किया कि स्टेटस लगा लिया, फ़ोटो अपनी माँ के साथ क्लिक करा के वो लगा लिया, या फिर कुछ माँ वाले सॉन्ग लगा लिए स्टेटस में। तो इस टाइप के बस वो मदर्स डे उन बच्चों के लिए ना सिर्फ स्टेटस पे होता है, रियलिटी में कुछ भी नहीं होता है, वो सीधे मुंह बात भी ना करें। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। अगर आपकी मम्मी आपको अपने से पहले रख रही है, आपको फिक्र कर रही है, आपका ख्याल रख रही है, आपका ध्यान रख रही है, आपकी छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती हैं, तो प्लीज़ आप भी उनको बदले में प्यार ही दीजिए। और ऐसी माँ बहुत कम मिलती हैं, किसी, मतलब बहुत कम होती हैं कि जो अपने से पहले बच्चों का ख्याल रखें। अब बहुत सी होती भी हैं, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए। और मदर्स डे जो एक दिन के लिए आता है, उस डे को उनके लिए स्पेशल बना दीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए। आप जो भी देना चाहें उनको, एक रोज़ भी दे सकें तो आप भी, उनके लिए बहुत स्पेशल होगा। मुझे याद है कि मैंने जब मम्मी का 2015 में जो मदर्स डे आया, तो पहला मदर्स डे मैंने मम्मी के लिए अपने हाथ से मैंने केक बनाया और उस पर लिखा हैप्पी मदर्स डे। तो मम्मी के लिए वो चीज़ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यादगार रहा होगा, अभी भी उनको याद होगा, क्योंकि उस टाइम पर मम्मी के आँख में आंसू आ गया था और मेरी मम्मी रो दी थी। तो कुछ इस टाइप का आपको करना चाहिए कि आप उनके लिए कुछ गिफ्ट ले आए, एक रोज़ ही सही आप उनको कुछ गिफ्ट दें, या नहीं तो आप उनको कहीं बाहर घुमाने ले जाएं,
लखनऊ में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हर सिटी में हर जगह कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ होती है जहाँ पे आप घुमा सकते हो अपनी माँ को या आपकी मम्मी को जो चीज़ पसंद हो खाने में वो आप खिला सकते हो। मतलब उनकी पसंद की चीज़ें होनी चाहिए उस दिन मदर्स डे वाले दिन, और बाकी डे तो आप उनके रिस्पेक्ट ज़रूर करें और अच्छे से बिहेव करें, बस और कुछ नहीं चाहिए होता है। क्योंकि मैं अभी मदर हूँ तो मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ बहुत अच्छे से हुआ है, क्योंकि अभी तो मेरा बेटा 2 साल का है, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ अच्छे से मालूम हो गई कि अगर आप अच्छे से अपनी माँ के साथ बिहेव करते हैं, उनको प्यार दिखाते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनमोल हो जाती है। मेरा बेटा ही जब मुझसे ऐसे आँखें से लिपट जाता है खुशी से, या मैं जब देखे एक बहुत क्यूट सी स्माइल करते हैं, तो मेरे लिए वो टाइम मतलब प्राइजलेस हो जाती है। तो इसलिए मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। तो खैर मुझे समझ में आई थी पहले से ही, लेकिन वो चीज़ होती है ना, एक आप फील कर सकते हैं वो चीज़। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने अगर आपकी माँ आपके लिए इतना कुछ करती है, इतना ध्यान देती है, इतनी केयर करती है, इतनी फिक्र करती है, तो आप भी बदले में उनके लिए मदर्स डे स्पेशल बना दीजिए बिल्कुल। और उसके अलावा हर डे आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, बस और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो बस मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी, बहुत ही यूज़फुल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।